नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन, यानी बताना है हमें कि ये लोग जो हैं ये जो रिएक्शंस हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन पहले थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब अगर आपको याद रखना है कि रेडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है तो ये ध्यान रखिए ल्यूजर, ठीक है, तो क्या होता है लॉस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। हमें पहली रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर CuO सॉलिड प्लस H2 गैसियस, CU बना है हमारा सॉलिड प्लस क्या बना है H2O बना हुआ है। हम सिंपली क्या करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा -2, कॉपर के ऊपर क्या आएगा +2, हाइड्रोजन की H2 मॉलिक्यूल है कितनी हो जाएगी 0, इंडिपेंडेंट स्टेट में रहेगा, कॉपर की कितनी यहाँ पर 0, हाइड्रोजन की कितनी होती +1, ऑक्सीजन की कितनी होती -2। तो अगर हम देखें तो कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन नंबर से कितना हो रहा है 0 हो रहा है, यानी कॉपर +2 ऑक्सीडेशन नंबर से कितना हो रहा है 0 हो रहा है। तो 0 तभी होगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले एक्सेप्ट कर ले, तो क्या बन जाएगा 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यानी क्या हो रहा होगा रिडक्शन हो रहा है, ठीक, यानी इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है। अगर हम देखें H2 की 0 से ही थी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई +1 हो गई, यानी H2 था और H2 से क्या बना, H2 से क्या हो गया कि 2H+ बन गए, ठीक है, तो 2H+ तभी बनेंगे, यानी 2+ आ गए इसके ऊपर, तो यानी तभी बनेंगे जब दो इलेक्ट्रॉन निकल लें, और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, तो यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, तो ये रिएक्शन हमारी कैसी है रेडॉक्स रिएक्शन है। अब सिंपली देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या दिखाई दे, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करे, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करे इंक्रीज, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा रिडक्शन हो रहा होगा। तो इससे भी पहचान सकते हैं सिंपली, यहाँ पे देखिए +2 से क्या हो गया 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गई, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी तो क्या होगा रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए 0 से क्या हो गया +1 हो गई, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गई, तो जब ऑक्सीडेशन इंक्रीज करेगी तो क्या होगी ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों वो कैसी होगी रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ये हमारी रिएक्शन कैसी है रेडॉक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट सारी रिएक्शन इसी के बेस पर हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे। तो बी हमें दी हुई रिएक्शन Fe2O3 +3CO गिव्स 2Fe +3CO2, राइट, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो 3 × 6 -6 उधर जाएगा, इसका प्लस का 6 आएगा, तो 2 आयरन की +6, 1 आयरन की कितनी +3, ठीक है, आयरन की यहाँ पे कितनी है 0, 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री स्टेट में रहता है, या हम क्या करते हैं कार्बन के यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो अगर हम कार्बन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कितनी आएगी +2, यहाँ पर कार्बन की कितनी आ जाएगी 2 × 4 यानी +4 आ जाएगी, -4 आएगी, -4 दे जाएँ +4, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की क्या हो रही है डिक्रीज कर रही, यानी ये क्या है हमारा रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है कार्बन की इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हो गई रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ था 4BCl3 +3LiAlH4
gives 2B2S6 plus 3LiCl plus 3AlCl3. Now consider बोरान, यहाँ पे सेल की कितनी -1, तो 3 -3 यहाँ पे कितना जाएगा +3, सेल की -1, एल आई की कितनी होगी +1, एच की +1, यहाँ पे एच क्या एल्युमिनियम के साथ जुड़ा हुआ तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे -1, अभी मेटल के साथ जुड़ा तो कितनी होगी -1, 4 -4 प्लस कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कितना देगा -3 -3 इक्वल किधर है किसका होता है +3 यानी एल्युमिनियम की कितनी आ जाएगी यहाँ पर +3, बोरान की हाइड्रोजन की +1, 6 × +1 +6 उधर जाएगा -6, 2 से डिवाइड कर दिए कितना -3 तो यहाँ पे कितना देगा -3 बोरान की, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी +1, एल आई की कितनी +1, सेल की -1, एल्युमिनियम की +3 हो जाएगी, सेल की -1। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, बोरान +3 से क्या हो रहा है -3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रिडक्शन। हाइड्रोजन देखिए -1 से क्या हो रहा है यहाँ पर +1, तो ऑक्सीडेशन में इंक्रीज करिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको LiLH4 में समझना है ऑक्सीडेशन नंबर, देख लीजिए एक बार, एल आई की कितनी +1, एल्युमिनियम की x मान लीजिए, हाइड्रोजन की -1, इक्वल में कोई चार्ज नहीं 0, जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, तो -4 प्लस कितना हो जाएगा -3, इक्वल के साइड लेंगे इसका हो जाएगा +3। B2H6 में देखना है बोरान की x × 2 प्लस हाइड्रोजन की +1 इक्वल टू में कोई चार्ज नहीं 0, 2x प्लस 6 × 6 0, 2x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -3, 2 × 6 हो जाएगा, बोरान की कितनी आ गई यहाँ पर -3। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी दी हुई है डी, क्या है, 2K प्लस Fe2 gives 2KF, 2K के ऊपर प्लस, F के ऊपर माइनस, K के ऊपर यहाँ पे क्या है, K इंडिपेंडेंट स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी 0, F की कितनी यहाँ पर 0, ये भी इंडिपेंडेंट स्टेट में 0, एलिमेंटल स्टेट में रहे या इंडिपेंडेंट स्टेट में हो तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से क्या हो रही +1, और F2 की 0 से कितनी हो रही है -1। ठीक है, तो जब +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है रेडॉक्स रिडक्शन। ठीक है, यानी ये रिएक्शन हमारी कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन। और ये कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है, जब सेम एलिमेंट का एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, देन हमें लास्ट दिया हुआ है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। नाइट्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 × 3 प्लस का, यहाँ पे माइनस का 3 नाइट्रोजन पास, यहाँ पे ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, इंडिपेंडेंट में रहेगा इन्वायरमेंट, तो कितनी होगी 0 O2 की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑक्सीजन में -2 और नाइट्रोजन के ऊपर कितना देगा +2, और यहाँ पे किसकी निकालना है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी -2, -3 से क्या हो रहा है +2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी, तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है 0 से -2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी डिक्रीज होगी, तो क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ये हमारी कैसी है रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया हो, थैंक यू।